शहर में गहराते पेयजल संकट को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। शीघ्र समस्या समाधान के भाव में ब्यावर बंद की दी चेतावनी। वार्डो में आयोजित किए जा रहे जन सहभागिता पुलिस आपके द्वार शिविर पुलिस की कम अन्य प्रकार की शिकायतें मिल रही है ज्यादा। संतोष माता मंदिर में गणेश मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू। समारोह के तहत निकाली कलश शोभा यात्रा। और भारत विकास परिषद की ओर से 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर जारी। अल सुबह सुहाने मौसम में साधक सीख रहे हैं विभिन्न योग मुद्राएं। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में गहराते जल संकट को लेकर शुक्रवार को इंडियन यूथ कांग्रेस ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर शहर में जल संकट को दूर करने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में कांग्रेस जनों ने आगामी दिनों में उक्त समस्या का समाधान नहीं किए जाने की सूरत में 18 जून को ब्यावर बंद करवाने की चेतावनी दी है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में पूरा ब्यावर शहर वर्तमान में पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है। 100 से 120 घंटे के अंतराल में पानी दिया जा रहा है, लेकिन पेयजल वितरण के दौरान पानी इतने कम प्रेशर से आ रहा है कि मुश्किल से पानी भरा जा रहा है। कांग्रेसजनों ने बताया कि इस बाबत पूर्व में कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेसजनों ने कार्यवाहक उपखंड अधिकारी सुखराम खोकर से पेयजल समस्या का समाधान शीघ्र ही करने का आग्रह किया। साथ ही समस्या समाधान के अभाव में 18 जून को ब्यावर बंद करवाने की विवश होने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में चंद्रशेखर शर्मा, बीआर सेन, पार्षद हनुमान चौधरी, मुकेश लखर, नीरज यादव, लियाकत अली, कमलेश, कल्पना भटनागर, पार्षद कमला दग्धी, उषा शर्मा तथा पुष्पांजलि पारिक सहित अन्य कांग्रेस जन शामिल थे। यहाँ एक तरफ भीषण गर्मी है और दूसरी तरफ ब्यावर पानी की समस्या से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। यहाँ पर न तो पानी की सप्लाई टाइम पर हो रही है, 72 से 150 घंटे तक समय में पानी की सप्लाई हो रही है, और जब सप्लाई होती भी है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि लोग अपने घरों के 5-6 मटके भी ढंग से नहीं भर पाते। इस तरह से पेयजल की समस्या बहुत गंभीर रूप ले रही है और पानी साफ भी नहीं आ रहा है। कहीं कहीं पर लाइनों में लीकेज है, जिससे कि गंदगी पानी में मिल जाती है। इस तरह की समस्या से जूझ रहा ब्यावर बहुत बुरी तरह से परेशान है। त्योहारों का समय है, गर्मी का समय है और किसी भी तरह से यह समस्या निजात नहीं हो पा रही है। हमने जलदाय विभाग को कई बार इस बारे में सूचना दी, लेकिन जलदाय विभाग बिल्कुल जैसे सो रहा है। बहुत समय से हम इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो। राज्य सरकार के निर्देश तथा रोडवेज के मुख्य प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के बाद भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं मिलने पर शुक्रवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति शाखा ब्यावर के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्य प्रबंधक आरएस राजावत से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि विगत दिनों आपसी हुई मुलाकात के दौरान आपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का भुगतान किए जाने संबंधी आदेश लेखा शाखा के नाम जारी कर दिए थे, लेकिन लेखा शाखा की ओर से अब तक मात्र कुछ ही कर्मचारियों को ही भुगतान किया गया है। पदाधिकारियों ने शेष कर्मचारियों को भुगतान नहीं किए जाने का कारण स्पष्ट करने की मांग की। इस दौरान मुख्य प्रबंधक राजावत ने हाथों हाथ लेखा अधिकारी को अपने ऑफिस में बुलाकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली तो सामने आया कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन परिलाभ हेतु आवेदन दिया था उन कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है, शेष कर्मचारियों की ओर से आवेदन ही नहीं मिला। इस पर राजावत ने शेष कर्मचारियों को भी शीघ्र ही अपने आवेदन पत्र देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने लेखा अधिकारी को भी आवेदन पत्र प्राप्त होते ही उस पर
आवश्यक कार्यवाही करते हुए कर्मचारियों को भुगतान करने के निर्देश दिए। मुख्य प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों की पीड़ा को सुनते हुए हाथों हाथ समस्या का समाधान करने पर उनका आभार प्रकट किया गया। मुलाकात करने वालों में लक्ष्मी नारायण दवे, जगदीश सेन, विजय सिंह पुखराज, वीर विक्रम सिंह, बाबूलाल लाल, प्रेम सिंह, किशन लाल शर्मा, नारायण सिंह राठौर, टीकम चंद तथा अनुपम चंद आदि शामिल थे। जिन जिन भाई कर्मचारी भाइयों का बकाया पेमेंट था और जो इन्होंने सेंशन निकाली हमारे अंशदान वाली, उसकी लिस्ट की कॉपी ली है और सीएम साहब ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया भाई जो भी बकाया है कर्मचारी इसमें मुख्यालय भेज दिया जाएगा और भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी। शहर के किशनगंज स्थित वार्ड संख्या 7 में शुक्रवार को कार्यवाहक सिटी थाना अधिकारी रामचंद्र कुमावत के सानिध्य में पुलिस आपके द्वार जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान वार्डवासियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने बताया कि मुंह पर स्कार्फ बांधकर असामाजिक तत्व दिन भर दोपहिया वाहनों पर सवार होकर दिन भर क्षेत्र में घूमते रहते हैं। महिलाओं ने बताया कि यह असामाजिक तत्व मेल रोड जाने के लिए सिटी सिनेमा के पीछे वाले रास्ते का उपयोग करते हैं तथा फर्राटे से वाहन चलाते हुए इधर उधर डोलते रहते हैं। महिलाओं ने पुलिस से इस रास्ते पर रोक लगाने तथा दिन के समय यहां पर किसी पुलिस वाले को तैनात करने की मांग रखी। इसी प्रकार क्षेत्रवासियों ने किशनगंज के मुख्य गेट पर भी दिन भर जुआरियों द्वारा जुआ सट्टा खेलने की शिकायत दी। उन्होंने बताया कि दिन भर यहां पर जुआरियों का जमावड़ा लगा रहता है तथा यह लोग शराब का सेवन करते रहते हैं, जिसके कारण यहां से महिलाओं का गुजरना दुष्कर हो जाता है। मुख्य गेट के यहां हाथ ठेले खड़े होने के कारण आवागमन में होने वाली परेशानियों के बारे में भी शिकायत की गई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने अतिक्रमण, पानी, बिजली तथा साफ सफाई संबंधी समस्याएं भी रखी। शिविराधिकारी कुमावत ने क्षेत्रवासियों की शिकायतों का शीघ्र ही निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने अपने घरों में रहने वाले किराएदारों तथा रात्रि पहरेदार का नाम तथा एड्रेस पुलिस को देने की बात कही। साथ ही क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आग्रह किया। शिविर के दौरान बीट कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, पार्षद मंगत सिंह मोनू, नितेश कोयल, प्रकाश आर्य, मोहन सिंधी, आनंद श्रीधर फुलवानी, अशोक पमनानी, हरमीत सिंह, भावना फुलवानी, रेणु बाबानी, भारती देवी, रेखा देवी, राजेंद्र सिंह हुड़ा सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे। आचार्य नानेश की 98वीं जन्म जयंती के मौके पर समता युवा संघ की ओर से जन सेवार्थ रियायती दरों पर रजिस्टर तथा कॉपी वितरण कार्य शुक्रवार से शुरू किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट स्थित पंकज इलेक्ट्रिकल पर रियायती कॉपी रजिस्टर वितरण काउंटर का शुभारंभ शुक्रवार सुबह समता युवा संघ के अध्यक्ष निहाल चंद कोठारी तथा महामंत्री प्रवीण बड़ोला ने आचार्य नानेश के छाया चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना कर किया गया। काउंटर का शुभारंभ समता युवा संघ के अध्यक्ष निहाल चंद कोठारी तथा महामंत्री प्रवीण बड़ोला ने आचार्य के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर शुरू किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समता युवा संघ के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित थे। काउंटर शुरू होने के बाद कई शहरवासियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉपी तथा रजिस्टर खरीदे। महामंत्री बड़ोला ने बताया कि आचार्य की जन्म जयंती मनाने की सार्थकता को साकार करने के लिए समता युवा संघ ने रियायती दर पर कॉपी तथा रजिस्टर वितरण का कार्य हाथ में लिया है। उन्होंने बताया कि बेहतरीन क्वालिटी के कागज की 50,000 से अधिक कॉपियां तथा रजिस्टर छपवाए गए हैं। रियायती काउंटर पर 25 रुपए प्रति रजिस्टर तथा 23 व 17 रुपए प्रति कॉपी की दर से कोई भी शहरवासी खरीद कर सकता है। रियायती दर काउंटर के शुभारंभ के मौके पर नवरत्न श्री श्रीमाल, अंकुश बोहरा, उत्तम नाहर, अभिषेक नाहर, महेंद्र नाका, निर्मल कीचा तथा पार्षद राधेश्याम प्रजापति आदि उपस्थित थे। आचार्य श्री नानेश की 98वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर समता युवा संघ ब्यावर द्वारा मानव सेवा वाजिब बाजार भाव से काफी कम दरों पर कॉपियां रजिस्टर वितरण किए जा रहे हैं आम जनता। 50,000 कॉपियों का हमारा लक्ष्य है कि ब्यावर शहर की आम जनता हर सदस्य के पास ये समता संघ की कॉपियां पहुंचे, वह उसका फायदा उठाए। शहर के मेवाड़ी गेट सिटी डिस्पेंसरी के सामने स्थित प्राचीन संतोषी माता मंदिर में किए जाने वाले गणेश मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत शुक्रवार को कलश यात्रा निकाली गई। मेवाड़ी गेट बाहर स्थित शिवबाड़ी से शुरू हुई कलश यात्रा में 101 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर शिरकत की। विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी तथा सिर पर मंगल कलश लेकर चल रही महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी।
बैंड बाजों के साथ शुरू हुई कलश यात्रा के दौरान दो अश्व सवार आगे आगे चल रही थी। इस दौरान रथ में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित होकर चल रही थी। शिववाड़ी से शुरू हुई कलश यात्रा प्रताप कॉलोनी लोकाशाह नगर से मेवाड़ी गेट होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में मंदिर पुजारी पंडित दीनदयाल त्रिपाठी, गणपत साखला, नेमीचंद साखला, बालकृष्ण नरेंद्र त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी, हीरालाल पिपाड़ा, पार्षद राधेश्याम प्रजापत, शोभा देवी, माया देवी, यशोदा देवी, चंद्रकांता सहित अन्य महिला तथा पुरुष शामिल थे। राजस्थान राज्य विद्युत निगम के अजमेर रोड स्थित अधिशासी अभियंता में शुक्रवार को सेटलमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। डिवीजन स्तर पर आयोजित बैठक में करीब 70 प्रकरणों की सुनवाई की गई। अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि सेटलमेंट कमेटी को बिलिंग तथा ऑडिट संबंधी प्रकरण मिले थे। इस दौरान उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं की बिलिंग तथा ऑडिट संबंधी समस्याओं को सुना गया। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान करीब 45 उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा हाथों हाथ राशि का सेटलमेंट कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। शेष रहे उपभोक्ताओं को आगामी बैठक में बुलाकर उनके प्रकरणों को सुनते हुए इनका निस्तारण किया जाकर उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। मालूम हो कि विद्युत उपभोक्ताओं की बिलिंग तथा ऑडिट संबंधी शिकायतों को सेटलमेंट कमेटी के समक्ष रखा जाता है। प्राप्त शिकायतों को कमेटी की बैठक में रखा जाता है तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। डिवीजन स्तर पे सेटलमेंट के केस देखे गए और उपभोक्ताओं के समस्याओं को सुन करके उनके सेटलमेंट किए गए। मेनली केस बिलिंग संबंधी थे, ऑडिट से संबंधित थे। लगभग 70-75 केस प्राप्त हुए थे जिसमें 45 केस के का निस्तारण किया गया और उपभोक्ताओं को जो राहत मिली थी वो दिया गया। जो उपभोक्ता नहीं आए थे उनको अगली बार बुलाया जाएगा ताकि उनके भी समस्याओं का समाधान करके उनके समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आमजन में जन जागृति के लिए पतंजलि योग समिति ब्यावर के तत्वावधान में भारत विकास परिषद ब्यावर के सौजन्य से टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मधाम में 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को योग प्रशिक्षक भारतेंदु श्रीमाली ने योगिक व्यायाम, मंत्रोच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, कपालभाति सहित अन्य 8 व्यायामों का अभ्यास करवाया। इस दौरान कमर दर्द, मेरुदंड की विभिन्न समस्याओं के लिए आसनों का अभ्यास एवं तनाव को दूर करने के लिए ध्यान का भी अभ्यास करवाया गया। अभ्यास कार्यक्रम में योग शिक्षक अमरचंद साखला एवं राकेश सोमानी ने विशेष सहयोग प्रदान किया। योग सत्र के पश्चात भारत विकास परिषद के जसपाल सिंह हुड़ा ने सभी साधकों को स्वास्थ्यवर्धक जूस का निःशुल्क सेवन करवाया। योग सत्र के दौरान तुलसाराम सिरवी, राहुल पारिक, आलोक गुप्ता, प्रकाश इनानी, राजेंद्र खंडेलवाल, राजेंद्र काबरा, सागर जैन, ब्रजेश मालू सहित बड़ी संख्या में साधकों ने आरोग्य लाभ प्राप्त किया। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जयपुर अमरापुर धाम के महामंडलेश्वर सद्गुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज की प्रेरणा से प्रेम प्रकाश आश्रम ब्यावर के तत्वावधान में तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 17 व 18 जून को धूमधाम से संपन्न करवाया जाएगा। प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रचार प्रमुख नरेंद्र जयस्वानी ने बताया कि इसी संदर्भ में गुरुवार रात्रि को प्रेम प्रकाश आश्रम में एक बैठक का आयोजन प्रेम प्रकाश आश्रम के संत हिमांशु साई की अध्यक्षता में किया गया। संत हिमांशु साई ने बताया कि सिंधी समाज के
सामूहिक युवा सम्मेलन में पार जोड़ों का परिग्रहण संस्कार संपन्न करवाया जाएगा। 17 जून को वर वधु पक्ष ब्यावर पहुंचेंगे, जिनका अजमेरी गेट स्थित मारवाड़ी पंचायत भवन में धूमधाम से स्वागत सत्कार किया जाएगा तथा 18 जून को प्रातः परिग्रहण संस्कार वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा। वर वधु को आशीर्वाद के लिए सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज ब्यावर आएंगे। इस उपलक्ष्य में प्रेम प्रकाश आश्रम ट्रस्ट द्वारा वर वधु के वैवाहिक जीवन के लिए तथा गृहस्थी के लिए विभिन्न प्रकार के घरेलू सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की जाएगी। विवाह सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अतिथि सत्कार कमेटी, भोजन व्यवस्था कमेटी, उपहार भेंट समिति तथा परिग्रहण संस्कार समिति का गठन किया जाकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बैठक में सिंधी समाज के अध्यक्ष लक्ष्मण गुंडानी, उद्धव दास गुंडानी, दयाल गुंडानी, भगवान दरियानी, सुंदर वासवानी, नरेंद्र जयसवानी, महेंद्र लोकवानी, आसनदास वासवानी, प्रभु सदनानी, कमल चचलानी, कुमार सदनानी, पवन राजवानी तथा चंचल दास सहित प्रेम प्रकाश आश्रम मंडल के सदस्य उपस्थित थे। श्री प्रेम प्रकाश मंडला अध्यक्ष सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज की प्रेरणा से श्री प्रेम प्रकाश आश्रम ब्यावर के द्वारा तृतीय सिंधी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 18 जून सोमवार 2018 को किया जा रहा है। इस विवाह समारोह में 5 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। सोमवार के दिन प्रातःकाल 5 जोड़ों की शादी होगी और सद्गुरु महाराज सद्गुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज श्री अमरापुर स्थान जयपुर से आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शहर के फतेहपुरिया दोयम में गुरुवार देर शाम को एक मानसिक रूप से परेशान युवक ने घर के कमरे में फांसी का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान मृतक की पत्नी पीहर गई हुई थी। घर पर केवल उसकी मां तथा एक बेटी ही थी। आत्महत्या की जानकारी उसकी मां को हुई। जानकारी के अनुसार हलवाई का काम करने वाले फतेहपुरिया दोयम निवासी हीरालाल पुत्र शेर सिंह विगत कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को हीरालाल अपने कमरे में घुसा और फांसी का फंदा बनाकर उस पर लटक गया। देर शाम तक खाना खाने के समय भी जब हीरालाल कहीं पर दिखाई नहीं दिया तो उसकी मां धापू देवी कमरे के भीतर गई तो अंदर का नजारा देखकर वह चीख पड़ी। धापू भाई ने देखा कि उसका बेटा हीरालाल फांसी के फंदे पर लटक रहा है। कमरे का दृश्य देखते ही धापू भाई जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाजें सुनकर क्षेत्रवासी मौके पर एकत्रित हो गए तथा घटना की जानकारी लेने के बाद इसकी सूचना सिटी थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे चांगेट पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई सुनील कुमार ने शव को कब्जे में लेकर रात्रि के समय राजकीय अमृत को चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रख पाया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आज शुरू कर दी है। सिंगरा थाना अंतर्गत ग्राम चितार निवासी एक 22 वर्षीय विवाहिता ने गलफत में कीटनाशक घटक लिया जिसके कारण वह अचेत हो गई। जानकारी के बाद परिजनों ने उसे अचेतावस्था में उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार चितार निवासी सलमा पत्नी सज्जन अपने घर पर बकरियों को दवा लगा रही थी। इस दौरान उसने एक गिलास में दवा डाल रखी थी। बताया जा रहा है कि सलमा भी खांसी से पीड़ित थे और उसने एक अन्य गिलास में खांसी की दवा रख रखी थी। बकरियों के दवा लगाने के बाद सलमा ने दवा का गिलास भी पास ही में रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसे खांसी ने परेशान करना शुरू कर दिया तो सलमा ने बिना देखे ही कीटनाशक की दवा वाला पानी पी गई। पानी पीने के थोड़ी ही देर बाद वह अचेत हो गई। जब परिजनों को घटना के बारे में जानकारी मिली तो परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में लाकर भर्ती करवाया जहां पर उसका उपचार जारी है। शहर के चंपानगर स्थित मीरा मंदिर में श्री रामायण मंडल द्वारा पुरुषोत्तम मास के मौके पर 51 आसनों पर श्री रामचरित मानस के संगीतमय मास पारायण की पूर्णाहुति प्रसन्न गणपति मंदिर के महंत फतेहगिरी महाराज द्वारा ब्रह्मानंद धाम के संत राघवगिरी महाराज के सानिध्य में हुई। इस दौरान मंदिर महंत भरत भूषण त्रिपाठी द्वारा ओम जय जानकी नाथा की आरती की गई और पंगत प्रसाद का आयोजन किया गया। इससे पूर्व राजकुमार अत्रेय ने मीठे रस्ते भरोड़ी सीता मैया लागे महाने सरयू जी को
खारो खारो पानी लागे, जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। सुंदर सिंह ने भरत भाई कपि से उड़ नहीं हम नाही। तेज नारायण व्यास ने श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम। दिनेश सिंघल ने देख लो मेरे दिल के नगीने में, सीताराम जानकी बैठे है मेरे सीने में, भजन प्रस्तुत किए। इसी कड़ी में महिला मंडल की ओर से राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, तुम राम की गली में आना वहां नाचते मिलेंगे हनुमान। आनंद बरस रहा है आज बीरा मंदिर में और क्या क्या बताऊं, बैकुंठ बरस रहा है, आदि भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर अविनाश शर्मा, रमेश शर्मा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, नारायण त्रिपाठी, योगेश शर्मा, सुनील शर्मा, विष्णु चोटिया, आशा चतुर्वेदी, विमला टोडवाल, शकुंतला शर्मा, सुनीता शर्मा, आशा शर्मा, मांगी देवी तथा कमला देवी आदि उपस्थित थे। गर्मी के मौसम ने राजस्थान रोडवेज का हाल बेहाल कर दिया है। भीषण गर्मी से यात्री भार भारी असर पड़ रहा है। वैसे तो गर्मी के मौसम में हर साल यात्री भार प्रभावित होता है, किंतु इस बार असर कुछ ज्यादा है। गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण इस वर्ष यात्री भार भी ज्यादा ही घटा है। रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह व रात को ही यात्री भार बढ़ जाता पाता है। दोपहर में बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या नाम मात्र की ही रह जाती है। टिकट खिड़कियां भी सूनी रहती है गर्मी के कारण। सुबह और रात की बसों में ही यात्री भार निकल रहा है। दोपहर में तो यात्रियों के लिए बसें तरसती रहती है। मुख्य प्रबंधक आरएस राजावत ने बताया कि भीषण गर्मी में घटते यात्री भार के बावजूद गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रोडवेज की राजस्व में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष ब्यावर आगार ने कई नई मार्गों पर भी बसें शुरू की है, जिसके कारण राजस्व की छीजत को रिकवर किया गया है। मालूम हो कि इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ी है, तापमान +48 तक पहुंच गया। भीषण गर्मी को देखते हुए आम आदमी यात्रा से बचता रहा है। केवल आवश्यक काम के लिए ही लोग यात्राएं कर रहे हैं। दूसरी ओर निजी साधनों के बढ़ जाने के कारण भी रोडवेज का यात्री भार कम ही मिलता है, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने श्रेष्ठ यात्री सेवाओं के बलबूते पर अपना राजस्व मेंटेन करने में सफलता प्राप्त की है। ब्यावर आगार के अंदर कल दिनांक 14/6/18 को जो अभी रोडवेज हमारे को टारगेट 35,000 किलोमीटर चलने का दे रखा है, उसके तहत हमारी इनकम पिछले साल जो जून में था उसमें और इजाफा हो रहा है। लोड फैक्टर में भी इजाफा हुआ है। कल का लोड फैक्टर हमारा 78 रहा, टारगेट 81% दिया हुआ है और लास्ट ईयर इसका 61% था। अतः टारगेट में तो 3% पीछे चल रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से हम +16% चल रहे हैं। और ओवरऑल जून के अंदर जो हमारे प्रोग्रेसिव है, 1 जून से आप 14 जून तक के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसके अंदर जो टारगेट 81 है तो इसमें अचीव हम 76% अभी हुआ है हाल फिलहाल। लास्ट ईयर इस तारीख को 67% था, तो इसमें भी टारगेट मतलब 5% कम है, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से 9% अप हुआ है, इसमें ज़्यादा है। इसी प्रकार इनकम में भी लगभग हम 8 लाख ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं, लास्ट ईयर से ऊपर चल रहे हैं। तो इसमें लोड फैक्टर में इजाफा हुआ, यात्री भार में इजाफा हो रहा है। शहर के फतेहपुरिया व्यायाम क्षेत्र में सरकारी स्कूल के सामने तथा सड़क के किनारे लगा विद्युत ट्रांसफार्मर आमजन के लिए परेशानी के कारण बना हुआ है। मुख्य मार्ग पर स्थित होने तथा मानक ऊंचाई से बेहद नीचे होने के कारण यहां हमेशा जानवरों के करंट आने का अंदेशा बना रहता है। कई वर्षों पूर्व लगे इस ट्रांसफार्मर को हटवाने के लिए स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग सहित प्रशासन को से भी गुहार लगाई, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग ने फतेहपुरिया दोया में स्थित अशोक नगर स्कूल के मुख्य गेट के पास विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। हालात यह है कि ट्रांसफार्मर एक मकान के बेहद करीब है और काफी नीचे है, जिसके कारण बरसात के दिनों में सहित आम दिनों में भी करंट का खतरा बना रहता है। ट्रांसफार्मर के आसपास तारों का जंजाल होने के कारण आसपास से गुजरने वाले लोगों तथा मवेशियों के करंट आने का खतरा भी बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि बरसात के दिनों में यहां पर स्पार्किंग होती रहती है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि आगामी दिनों में स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने वाली है और स्कूल में विद्यार्थियों की आवाजाही होने वाली है। ऐसे में विद्यालय आने जाने वाले विद्यार्थियों की करंट लगने का डर सताने लगा है। क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से आबादी क्षेत्र में स्थापित इस ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से आयोजित पृथ्वीराज जयंती पखवाड़े के तहत शुक्रवार को विशाल वाहन रैली तथा धर्म सभा का आयोजन किया गया। जयंती कार्यक्रम के तहत विशाल वाहन रैली मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र के 8 स्थानों से प्रारंभ हुई। सभी 8 स्थानों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वाहनों के साथ शिरकत की। भगवा वेशधारी वाहन धारक हाथों में भगवा ध्वज लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तथा जय पिथोड़ा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। निकटवर्ती ग्राम मसूदा भालिया कोटडा नायकला चाक चितार खरवा तथा भीम आदि स्थानों से शुरू हुई वाहन रैलियां विभिन्न गांवों से गुजरते हुए उदयपुर रोड स्थित कृषि मंडी प्रांगण में पहुंची। यहां पर सभी स्थानों से आई रैलियों में शामिल हिंदू योद्धाओं को मिल्क रोज पिलाया गया। इसके पश्चात कृषि मंडी प्रांगण से विशाल भगवा महारैली शुरू हुई जो शहर के मेवाड़ी गेट से होते हुए एकता सर्किल फतेहपुरिया चौपड़ डचबेरी गेट भगत चौराहा श्री मेगा हाईवे सिटी सिनेमा अम्बेडकर सर्किल सेंद्रा रोड अजगर बाबा का थान लिंक रोड से LIC ऑफिस होते हुए टारगेट रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। विशाल भगवा महारैली का रास्ते में जगह जगह क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महारैली में शामिल हिंदू योद्धाओं ने जय श्री राम तथा पृथ्वीराज चौहान के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। विशाल वाहन रैली के दौरान समिति संयोजक इंद्र सिंह बागावार सुरेश वैष्णव नितेश कोयल लक्की मकवाना महेंद्र सिंह रावत सतवीर सिंह लगेथेड़ा वेद प्रकाश मसूदा लाडू सिंह कोटडा श्रवण सिंह भाटी कैलाश मुंद्रा महेंद्र सिंह गोड लाल सिंह रावत पदम सिंह सुहावा डूंगर सिंह रावत जय सिंह सुहावा सहित बड़ी संख्या में समिति कार्यकर्ता तथा सदस्य शामिल थे। वाहन रैली के संपन्न होने पर आशापुरा माता मंदिर प्रांगण में विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म को विहिप के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। इसी प्रकार शिवपुरा घाटा शिव मंदिर के महंत रामकृष्ण दास महाराज अकलपुरी की धुनी जवाजा के महंत नरेशपुरी महाराज विहिप के विभागाध्यक्ष आनंद अरोड़ा सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। शहर के साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड से जागृति सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम संतोषजनक रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस वर्ष आयोजित 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इस वर्ष विद्यालय के छात्र जयंत कुमार कुमावत ने 90% अंक प्राप्त कर अपना नाम वरीयता सूची में अंकित किया है। स्कूल प्राचार्य नारायण लाल राहोरिया ने बताया कि छात्र जयंत कुमार शुरू से ही अनुशासित रहा तथा विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जयंत के प्रदर्शन से विद्यालय का नाम रोशन हुआ है। जयंत ने अपनी कामयाबी के पीछे स्कूल के अध्यापक राहुल पारिक त्रिलोक सिंह व संतोष पारिक का हाथ बताया है। छात्र ने बताया कि परीक्षा से पूर्व विद्यालय की ओर से सुबह अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया गया जिसमें सभी विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया गया जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ता गया। छात्र की इस उपलब्धि पर प्राचार्य राहोरिया तथा संतोष पारिक ने माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर स्वागत किया। आज के सुबुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में गहराते पेयजल संकट को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिया SDM को ज्ञापन। शीघ्र समस्या समाधान के भाव में ब्यावर बंद की दी चेतावनी। वार्डो में आयोजित किए जा रहे जनसहभागिता पुलिस आपके द्वार शिविर पुलिस की कम अन्य प्रकार की शिकायतें मिल रही है ज्यादा। संतोष माता मंदिर में गणेश मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू। समारोह के तहत निकाली कलश शोभा यात्रा। और भारत विकास परिषद की ओर से 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर जारी। अल सुबह सुहाने मौसम में साधक सीख रहे हैं विभिन्न योग मुद्राएं।